का वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्यू एंड ए को लेके होना, मतलब क्वेश्चन और आंसर, मतलब सवाल आपके और जवाब हमारे। सो आपने इतने सारे कमेंट्स किए, हर एक वीडियोस पे कुछ ना कुछ कमेंट आए हुए, तो आज के मैं चुनिंदा कमेंट्स को लूंगा इस वीडियो में और इस एपिसोड को मैं नाम देना चाहूंगा आस्क हैप्पी का। तो आस्क हैप्पी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं एक अच्छे ऑफर से, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लिपकार्ट का सेल चालू हो रहा है 15 तारीख से 19 तारीख तक। तो 15 में से 19 में अगर आपने कुछ शॉपिंग करने का प्लान है तो आप वेट कर लीजिए, 2 या 3 दिन ही बाकी है सेल शुरू होने में, तो फिर आपको कुछ शायद अच्छी डील मिल जाएगी। तो और हमारा पहला सवाल है आज का रंजीत की, सर विच वन विल द बेस्ट बाय रिगार्डिंग पिक्चर क्वालिटी, वीवो प्रीमियम एंड्रॉइड और पिक्सल लाइट? सो इसका जवाब है वीवो प्रीमियम एंड्रॉइड, क्योंकि पिक्चर क्वालिटी में मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि वीवो प्रीमियम एंड्रॉइड टीवी बेस्ट है एज कम्पेयर टू पिक्सल लाइट सीरीज। और दोस्तों अगला सवाल है सॉरी जी का कि शुड आई परचेस LG 6360 या फिर सैनियो के 55 इंच वाली टीवी? तो फिर उनका सीधा सीधा जवाब है LG 6360, क्योंकि उसके पिक्चर क्वालिटी के सामने बाकी सैनियो कंपेयर भी नहीं कर सकते। उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली एक और क्वेश्चन किया कि आर व्यू एंगल्स गुड फॉर डेकोरेशन इफ सीन फ्रॉम लोअर पोजीशन व्हेन टीवी इज वॉल माउंटेड? तो फिर इसमें आपको मैं कहना चाहूंगा कि LG 6360 में आपको अच्छे व्यू एंगल्स मिल जाएंगे, कोई भी एंगल से देखो आपको ब्लैक नहीं दिखेगा, एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छे व्यू एक्सपीरियंस आपको इस टीवी में देखने मिलेंगे। अगला सवाल है राहुल परमार जी का, राहुल जी बोलते हैं कि LG 55 UK 7500 PT लेना ठीक है या VU प्रीमियम एंड्रॉइड, प्लीज बताना यार मुझे एक नया टीवी लेना है। सो राहुल जी अगर आपका सच में बजट अच्छा है, क्योंकि LG 7500 का कॉस्ट आपको पता है मोर देन लाख है, और VU प्रीमियम की अगर मैं बात करूँ तो आपको 40-42 हजार रुपए में आपको अच्छी टीवी 55 इंच की टीवी मिल जाती है। तो अगर आपका सच में बजट है तो फिर आप LG ले सकते हो, क्योंकि ऑफकोर्स पिक्चर क्वालिटी के मामले में VU और LG आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, तो पिक्चर क्वालिटी आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है आपको LG 7500। और दोस्तों अगला सवाल है चिरंजीत सरकार का, ये भाई साहब बोलते हैं कि क्या एक्सटेंडेड वारंटी ऑफ 2-4 5 एंड वर्थ है और यहाँ वेस्ट बंगाल में सर्विस सेंटर नहीं है तो ऑनलाइन ही बेस्ट रहेगा राइट, प्लीज रिप्लाई कर देना जरूर। तो यहाँ पे चिरंजीत जी मैं कहना चाहूँगा कि वारंटी भी दो टाइप की होती है, आपको एक ब्रांड वारंटी मिलती है और एक स्टोर वारंटी होती है। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि ब्रांड वारंटी लें। ब्रांड वारंटी का फायदा ये होगा कि जब भी आपका कुछ भी टेक्निकल इशू होता है, कोई टेक्निकल पार्ट खराब होता है, तो आपको ब्रांड वारंटी में कवर हो जाएगा। लेकिन आप स्टोर वारंटी लेते हो तो आपको सिर्फ और उसमें आपको माइनर हेल्प मिल जाएगी, बाकी और कोई भी सर्विस उसमें प्रोवाइडेड नहीं होता। अगर कोई टेक्निकल इशू या कोई पार्ट खराब हो जाएगा तो आपको स्टोर वारंटी में कवर नहीं होगा, लेकिन ब्रांड वारंटी में कवर होता है। तो हमेशा आपको ब्रांड वारंटी ही लेनी है, ये ब्रांड वारंटी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब दे दिया है। और रही बात वेस्ट बंगाल के सर्विस सेंटर की, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप जस्ट गूगल कर सकते हो वीयू के जो भी सर्विस सेंटर से आपको लिस्ट मिल जाएगी, अगर सर्विस सेंटर नियर बाय है तो आप ऑफलाइन ही लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये। अगला सवाल है सागर पलापर्ती का, ये बोलते हैं कि हेलो सर, आई वॉन्ट टू गो विथ माई फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स, 6 adults 3 child, सजेस्ट मी बेस्ट पासेस फॉर थीम एंड वॉटर पार्क। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा सागर जी, आप अगर ऑफर्स के लिए देख रहे हो तो नियर बाय का एक बहुत अच्छा ऐप है, मैं यूज करता हूँ और मैंने जो SLVET गया था उस पर वही वहां से मैंने टिकट परचेस की, तो मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिला था। तो आप वहां पे जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेरे चैनल पे वो वीडियो है या फिर मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, वहां पे आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी उस वीडियो के थ्रू। उसमें अच्छे अच्छे ऑफर्स हमेशा रहते हैं, ना कि सिर्फ ओनली SLVET के लिए, बाकी कोई भी आप विजिट कर रहे हो कहीं पर भी आउटडोर एक्टिविटी हो तो उसमें काफी ऑफर्स होते हैं, तो आप वो ऐप जरूर चेकआउट कीजिए। अगला सवाल है तुषार कुमार का, तुषार जी बोलते हैं कि इसकी ब्लूटूथ रेंज कितनी है? तो ये मेरे मैंने एक बोल्ट कर्व का एक ब्लूटूथ हेडसेट है उसकी वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर ही कमेंट है। तो क्या नाम है इनका, तुषार जी इसका ब्लूटूथ रेंज मैं कहना चाहूंगा 7-8 मीटर का है, मतलब 7-8 मीटर के अंदर आपको अच्छा रेंज मिल जाएगा ये हेडसेट के अंदर। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है पल्लवी यादव का, पल्लवी यादव जी बोल रही है कि एक दिन में SLVET और वाटर किंगडम दोनों घूम सकते हैं, एक ही टिकट है क्या अलग अलग, प्लीज आंसर दो ना।
तो पल्लवी जी मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम दो अलग अलग एरियाज हैं, आपको अलग अलग टिकट लेनी पड़ेगी और आपको एक दिन में विजिट नहीं कर सकते। अगर आपको एक ही दिन में विजिट करना है तो आपको एक ही दिन दोनों टिकट लेने होंगे सेपरेटली, और उसके बाद हाफ डे समझ लो, फर्स्ट हाफ आप वाटर किंगडम में बिताइए, उसके बाद एसएल वर्ल्ड चले आइए, या फिर आप फर्स्ट हाफ एसएल वर्ल्ड में बिताइए और सेकंड हाफ वाटर पार्क में। तो आप इस ढंग से कर सकते हो, लेकिन आपको टिकट दोनों फुल डे की लेनी पड़ेगी अलग अलग। तो दोस्तों सवाल जवाब का सिलसिला आप यहाँ पे खत्म करते हैं और आपको मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। उसकी तैयारी मैं करने जा रहा हूँ बस इस Q&A वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही, और आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, उन सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जिन्होंने काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया हमारे चैनल को, हमारे साथ ही सभी वीडियोस को। कुछ हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर है जो उनका मतलब वीडियो अपलोड होते ही तुरंत कमेंट आ जाता है, तो उन सभी को बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू सो मच। आप लोग के सपोर्ट और आपके प्यार की वजह से इस चैनल में हम बने हुए हैं और अच्छे से ग्रो कर रहे हैं की जर्नी है। और दोस्तों अगर आपका टीवी वगैरह लेने का प्लान है तो फिर फ्लिपकार्ट पे सेल आ रही है 15 तारीख से 19 तारीख तक, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, शायद आपको अच्छी डील मिल जाए। और इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड बाय। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, आईडी हैप्पी गाइड। बाय बाय।